तो सीक्वेंसेस हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, आज उसी को आगे करेंगे। पहले देखे थे क्या देखा था, तो सीक्वेंसेस आर थिंग्स दैट कम वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक है। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग से शुरुआत करी थी, क्योंकि स्ट्रिंग में इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और सब कैरेक्टर मिलकर एक स्ट्रिंग बनाते थे। फिर हमने देखा था कि किसी भी सीक्वेंस में हमें कोई वैल्यू अगर एक्सेस करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं, तो हम स्क्वायर ऑपरेटर का, ब्रैकेट ऑपरेटर का यूज करके करते थे। ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना इंडेक्स डालते थे कि हमें कौन सी पोजिशन की वैल्यू चाहिए। पोजीशन पे ध्यान देने वाली बात थी कि पोजीशन जीरो से स्टार्ट होती थी और जितनी भी लेंथ है उसके एन माइनस वन तक जाती थी। फिर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने वन फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स सब निकाला है। स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का फंक्शन था लेंथ, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कुछ दिन फिर से रिवाइज किया था। तो लेंथ हमें बताता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, या फिर अगर हम अभी आगे भी देखेंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीक्वेंस। तो अगर हम, क्योंकि हमारा इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, हमारी नंबरिंग जीरो से शुरू होती है किसी भी सीक्वेंस में, तो अगर हम लेंथ वाली पोजीशन को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमारी एरर आ जाती है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये क्यों आती है, क्योंकि जीरो से होने की वजह से हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है वो होती है लेंथ माइनस वन। फिर हमने स्लाइसिंग का एग्जाम्पल देखा था कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग में से कुछ उसकी एक सब स्ट्रिंग निकालनी हो, उसका कुछ पार्ट निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो तरीका वही था, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके। इसमें हम लोग दो वैल्यूज देते थे, एक स्टार्टिंग इंडेक्स की कहाँ से लेनी है और कोलन, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जानी एंड इंडेक्स। एक बात जो ध्यान देने वाली इसमें ये थी कि एंड इंडेक्स वाली पोजीशन इंक्लूडेड नहीं होती है, तो उससे एक कम। तो अगर मैं 0 से 4 दिया तो ये 0, 1, 2, 3 मतलब इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो आएंगे, जैसे यहाँ पर जो भी है, जैसे जो भी इनका डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो आएंगे बट लास्ट वाला कैरेक्टर, लास्ट वाली पोजीशन का कैरेक्टर नहीं आएगा। फिर इसके तीन डिफरेंस थे कि स्टार्ट इंडेक्स हटा दें तो क्या होता है, तो अगर आपने कोई पहली वैल्यू नहीं दी है कोलन के तो वो उसको जीरो अज्यूम करता है, अगर आपने लास्ट वैल्यू नहीं दी है तो वो उसको लेंथ अज्यूम करता है जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और अगर आपने दोनों वैल्यू नहीं दी है तो वो उसको जीरो और एंड दोनों सब एज्यूम कर लेता है, मतलब पूरा की पूरी स्ट्रिंग सेम चीज आ जाती है। यहाँ पर हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग कर ली थी। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था इम्यूटेबिलिटी वाला। इम्यूटेबिलिटी वाला देखा था कि स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी चेंज। अगर हमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो हमें नई स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। हाँ, तो इसमें हमने ये शायद थोड़ा ऊपर आ गया, इसे हम नीचे जाना चाहिए। तो इसमें हमने अपने एक स्ट्रिंग में एक ग्रीटिंग हेलो पाइथन ली थी, इसमें हमने जीरो पोजीशन पर वैल्यू चेंज करने की कोशिश करी थी तो हमारी एरर आ गई थी कि भाई डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। फिर हमने ये देखा था कि अगर हमें बदलना हो तो हम कैसे बदलते हैं, तो हम ये हमने देखा था कि जैसे दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स मतलब वेरिएबल सेम है बट स्ट्रिंग डिफरेंट है, तो आईडी से उसका हमें एड्रेस मिल जाता है कि मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड है। हमने देखा कि दोनों का एड्रेस अलग अलग है। फिर कैसे चेंज करना था, तो हमें जो हेलो में जलो करना था, मतलब कि जे करना था और ओ की जगह आई करना था, तो हमने तरीका देखा था कि हमें उसे एक नई स्ट्रिंग की बनानी पड़ रही थी, पहले के सारे कैरेक्टर लेकर, फिर जो कैरेक्टर बदलना है उसको यूज करके, और फिर आखिरी में लास्ट के कैरेक्टर्स लेकर। एक दूसरा हमने तरीका देखा था कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग में कैरेक्टर बदलना है तो उसके लिए रिप्लेस फंक्शन होता है। रिप्लेस फंक्शन, लेकिन दिक्कत क्या है कि रिप्लेस फंक्शन जितने भी अकरेंसेस होंगी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग की, वो सारी अकरेंसेस को यूज कर लेगा। तो यहाँ पर हमें खाली पहला बदलना था, लेकिन इसमें जितने भी होते सबको ओ को पी से बदल दिया है। फिर हमने फॉर लूप देखा था, इसको मैं हाइट कैसे करूँ। फिर हमने दूसरे टाइप का लूप देखा था, ये फॉर लूप होता है। तो इसकी रीजनिंग हमने क्या देखी थी कि इसकी जरूरत यह है कि जैसे फाइल लूप के साथ था कि हम लोग एक कंडीशन पर उतनी बार इटरेट करते हैं, फॉर लूप में हम लोग जितने हमारे पास आइटम्स होते हैं किसी भी सीक्वेंस या स्ट्रक्चर में उतनी बार हम लोग इटरेट करते हैं। जैसे हमारे पास था कैरेक्टर्स इन अ वर्ल्ड, वर्ड इन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लाइंस इन अ टेक्स्ट फाइल, तो हमें जितनी लाइंस हमें उतनी बार अपना लूप चलाना है, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स हमें चलाना है। तो इसीलिए इसको डेफिनेटली लूप कहा जाता है और वाइल को इनडेफिनेट लूप, कि व्हाइल लूप आपको कंडीशन के हिसाब से चलेगा और ये आपका जितने आइटम्स होंगे उसके हिसाब से चलेगा। सिंटैक्स था कि फॉर फिर एक वेरिएबल नेम इन फॉलोइंग जो भी कलेक्शन नेम है सीक्वेंस नेम होगा, और
हमने देखा था कि अगर हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं इसको, तो ये उस वेरिएबल के अंदर एक एक कैरेक्टर आ जाता है। और फिर हमने देखा था यहाँ पर ये जो वेरिएबल था, ये इसका नाम कुछ भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, बट हम वो रखते हैं जो वेरिएबल हमें समझ में आए कि हाँ इसके अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि हम लोग काम इसी वेरिएबल के ऊपर करना होता है। फिर एक प्रोग्राम देखा था कि हमें काउंट करना था कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग देखा तो खाली वो देख रहे थे, बस स्ट्रिंग थी आशुतोष। फिर काउंट इक्वल टू जीरो मैंने सेट किया, फिर फॉर लूप किया और मैंने हर पूरे स्ट्रिंग के ऊपर चला दिया, क्योंकि मैंने फॉर लूप एक स्ट्रिंग के ऊपर चलाया तो कैर के अंदर एक एक कैरेक्टर रखता है। फिर मैं कैरेक्टर मैंने चेक कर लिया कितनी बार जेड आया है और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन किया, और इसको अगर मैं रन करूंगा तो जीरो आना चाहिए क्योंकि एक भी जेड नहीं है, तो काउंट जीरो था तो वो बाद में भी जीरो ही आ गया। तो ये बताने के लिए था कि जब आप स्ट्रिंग को फॉर लूप में यूज करते हैं तो एक एक कैरेक्टर आते हैं। ओके, फिर एक था इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमने देखा है, यहाँ पर हम लोग इन ऑपरेटर की बात कर रहे थे। जनरली इन ऑपरेटर यूज होता है आपकी मेंबरशिप चेक करने के लिए। मेंबरशिप चेक करने के लिए क्या इंग्लिश की तरह यूज होता है, जैसे मैंने यूज कर लिया ए इन आशुतोष, और यहां मैं लिखा देता हूं इफ ए इन आशुतोष। अगर मैं पढ़ता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए आशुतोष में है तो चलो, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या ए आशुतोष में है? ठीक है, यहां पर फॉर ए कैर इन माई एस टी आर, तो यहां पर इफ लिखा है तो मैं अगर कर रहा हूं फॉर कैर इन माई एस टी आर। ये क्या कह रहा है कि माई एस टी आर से एक एक कैरेक्टर निकालो और उसको कैर में डालो, यहां पर फॉर लगा है, तो ये कह रहा है निकाल कर इसमें डालो। ये कह रहा है इफ अगर ए इन आशुतोष, क्या अगर आशुतोष में ए है तो। ठीक, तो बेसिकली मेंबरशिप के लिए चेक होता है कि हम लोग जहां पर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के अंदर है तो हम यूज करेंगे इन। अभी हम लोग आगे बहुत एग्जांपल देखेंगे, दिक्कत नहीं, बट इन माने मेंबरशिप, क्या वैल्यू उसके अंदर है कि नहीं है। तो अगर हमें चेक करना है कि एक वैल्यू दूसरे के अंदर है तो हम इन यूज करते हैं। ठीक है, तो ए इन बनाना तो ये मुझे ट्रू दे देगा। फिर आज हम लोग आते हैं लिस्ट पर। लिस्ट भी स्ट्रिंग का ही बड़ा भाई है। क्या है कि लाइक स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इसी तरह के हमारे पास और भी सीक्वेंस है पाइथन लैंग्वेज में। बेसिकली तीन है, स्ट्रिंग है जो हम लोग देख चुके हैं, लिस्ट है स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और टपल है सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स, हम बाद में देखेंगे, बट है ये भी सीक्वेंस ही टपल भी। स्ट्रिंग हम लोग देख चुके हैं, अब लिस्ट में लिखा है कि स्ट्रिंग ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो अब पाइथन ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने पाइथन के अंदर अभी किस किस टाइप का डेटा देखा है, तो बेसिकली हमने तीन डेटा देखे हैं। हमने देखा है इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग, राइट। पाइथन के अंदर हमने खाली तीन तरह के डेटा टाइप अभी देखे हैं, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग, और कोई हमने एक अलग से कोई डेटा टाइप नहीं देखा है, या बुलियन, हाँ बुलियन भी देखा है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, बुलियन जिसके अंदर होता है ट्रू और फॉल्स। मैं इसको ये एडिट कर देता हूं। तो लिस्ट क्या है, सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स, हमने इस तरह के चार पाइथन के ऑब्जेक्ट हम लोग देख चुके हैं। जब हम इस तरह के चार देख चुके हैं तो इन्हीं का जो भी सीक्वेंस होगा वही मेरा लिस्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है लिस्ट। अभी एग्जांपल देते हैं लिस्ट बनाते कैसे। तो सबसे इजी जो तरीका होता है बनाने का लिस्ट को, वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट। अभी तक हमने स्क्वायर ब्रैकेट देखा था एक्सेस करने के लिए। पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट्स की स्पेशल वैल्यू होती है, वो कहते हैं कि बताते हैं कि एक लिस्ट डेटा टाइप है। तो एक्सेस हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो कैसे हम बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, मैं माउस पे आ जाता हूं। जैसे ये मैंने कोड लिख रखा है, माय लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 10 20 30, और बाद में प्रिंट कर रहा हूं माय लिस्ट को। तो स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि ये एक लिस्ट है, और इसके अंदर हम आइटम्स हमें जो सेपरेट करने होते हैं कॉमा से करने होते हैं। तो देखो, मुझे मैं सीक्वेंस ही बना रहा हूं, मेरे पास एक इंट है, दो इंट है, तीन इंट है, तो मैंने ब्रैकेट लिखा। तो मुझे जो जो पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं
तो मैंने 10, 20, 30 अब ये मेरा सीक्वेंस बन गया और ये मेरे ऑब्जेक्ट सेपरेटेड है कॉमा से। इस कॉमा का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ खत्म हो गया, दूसरा यहाँ खत्म हो गया और तीसरा यहाँ। स्क्वायर ब्रैकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट जहां पर भी अगर आप किसी 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 वेरिएबल को प्रिंट करो और उसकी स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट से हो तो मान लो कि वो लिस्ट है। तो ये मैंने बनाया, इसको मैं रन करता हूं। ये पता नहीं, ओके। तो ये देखो यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है कि मतलब कि ये बता नहीं रहा है बट ये अंडरस्टैंडेबल है, मतलब कि ये आपको आदत हो जानी चाहिए कि आप समझ जाओ कि ये एक लिस्ट है, ये कुछ और नहीं है, ये एक लिस्ट है। अब हम और भी टाइप के हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। मैंने कहा कि सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स, मैंने कहीं पर नहीं कहा कि सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, सीक्वेंस ऑफ बूलियन। चलो हम दूसरी लिस्ट बनाते हैं, माय लिस्ट 2 इक्वल्स टू 10, 20। अब मैंने कहा खाली सीक्वेंस पाइथन कर ही सकते हैं, मैं इसमें फ्लोट भी डाल सकता हूं, 10.5 मेरे पास फ्लोट भी हो गया है। फिर तो क्या ये काम करेगा? देखो तो स्ट्रिंग में सारी चीजें करेक्टर होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं, वो कुछ भी डालो। मैं फिर से इसको करता हूं, प्रिंट माय लिस्ट 2 और ये मेरे पास आउटपुट आ गया, फिर से लिस्ट है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है 10, 20, 10.5। ठीक है, तो तीसरी लिस्ट बनाते हैं, माय लिस्ट 3 इक्वल्स टू 10, 20.5, एक इंटीजर एक फ्लोट। और तीसरा मैं ले आता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम कैसे बना सकते हैं? सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट से। मैं सिंगल कोट से बनाता हूँ और यहाँ मैं डाल देता हूँ पाइथन, सिंगल कोट क्लोज। मैं फिर से करता हूँ, प्रिंट माय लिस्ट 3। अरे देखो मेरे फिर से पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है। लिस्ट कैसे है पता चल रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है मेरे को शुरुआत और आखिरी में, और इसमें आप तीनों टाइप के आइटम है। ठीक है, चौथी कहीं कोई शक ना रह जाए, हम लोग बूलियन भी यूज कर सकते हैं, मैंने दे दिया ट्रू। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं, तो मेरे पास अब 4 वैल्यूज आ गई हैं। तो किसी भी टाइप की आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक लिस्ट के अंदर, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स, और पाइथन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग आगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखेंगे, हमने अभी तक जो पढ़े हैं उसके हिसाब से हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब होता है कि एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं। एम्प्टी लिस्ट बनाने का तरीका सिंपल है, एक 2 स्क्वायर ब्रैकेट और खाली छोड़ दो। जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं? सिंगल कोट ओपन, क्लोज सिंगल कोट, डबल कोट ओपन, क्लोज डबल कोट, ट्रिपल कोट ओपन, क्लोज ट्रिपल कोट। इससे आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग बनती है। लिस्ट कैसे बनती है? एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बीच में कोई भी आइटम ना। अभी मेरी बन गई, इसको मैं प्रिंट भी करता हूं, प्रिंट माय लिस्ट 5, सॉरी इसका वेरिएबल का नाम है माय लिस्ट। ठीक है, तो ये देखो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है कि लिस्ट है और एम्प्टी है, तो इसके अंदर मुझे कोई आइटम नहीं दिख रहा है, जैसे मुझे ऊपर दिख रहा है। ओके, अब हमें लिस्ट के आइटम्स एक्सेस करने हैं। ओके, तो पहली चीज तो कि हम लोग जैसे हम लोग सीक्वेंस हम लोगों ने स्ट्रिंग में यूज किया था, वैसे ही सीक्वेंस हम लोग इसमें भी यूज करते हैं। मैं अपनी लंबी वाली लिस्ट उठाता हूँ, रुको मैं एक बनाता हूँ अपनी फ्रूट्स करके, एक वेरिएबल बनाया है फ्रूट्स, और इसके अंदर मैंने डाल दिया बनाना, एप्पल, और क्या क्या फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज, कोमा कीवी, कोमा मैंगो। ठीक है, देखो ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मैं कुछ भी डाल सकता हूं। तो मैंने अपने हिसाब से फ्रूट्स डाल दिए, उसका नाम भी है फ्रूट्स। अब मुझे एक एक करके इनको एक्सेस करना है, तो मैंने फॉर लूप जब स्ट्रिंग में लगाया था तो मुझे स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर आ रहे थे। ठीक है, अब मैं इसमें लगाऊंगा तो इसमें मुझे एक एक करके फ्रूट्स आ जाएगा। तो मैंने लिखा फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में से एक एक निकालो और उसको फ्रूट वेरिएबल में डालो।
मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चलो इसको पहले प्रिंट कर देता हूँ। मैंने प्रिंट कर दिया, मेरे पास अब एक एक करके सारे प्रिंट हो गए पांचों फ्रूट्स। ओके, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं इन फ्रूट को अपर केस में डालना चाहता हूँ, कैपिटल लेटर में। तो हमने स्ट्रिंग का फंक्शन पढ़ा, देखो ये स्ट्रिंग है, लिस्ट के अंदर ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग अपर फंक्शन लगा सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग आई फ्रूट के अंदर, अब फ्रूट एक टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर मैंने अपर लगा दिया। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो पहले छोटे में फिर बड़े में प्रिंट हो रहा है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, ओके, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। लिस्ट क्या है, ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर फॉर लूप लगाया, तो ये लिस्ट में से एक आइटम निकालकर इस वेरिएबल में डालेगा। अब ये क्योंकि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो ये स्ट्रिंग ही निकालेगा, तो इसने बनाना निकाला सबसे पहले, ठीक है। बनाना निकालकर इसने फ्रूट में डाल दिया। अब फ्रूट का डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और डॉट अपर फंक्शन हमने पढ़ा है कि हम स्ट्रिंग के ऊपर लगा सकते हैं, तो मैंने वो सिंपल लगा दिया। तो मुझे कैसे पता है कि ये फ्रूट स्ट्रिंग होगा, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो इसके अंदर में से स्ट्रिंग ही तो निकलेंगे। अच्छा एक चीज और करते हैं, इसी को कॉपी करता हूं थोड़ा सा मॉडिफाई करने के साथ। मैं इसको बना देता हूं 10.5 ऑरेंज और ट्रू, चार चीजें हो गई। अब इसमें मैं वेरिएबल में फ्रूट्स ही रखता हूं, अब इसके अंदर से एक एक करके वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले वेरिएबल प्रिंट करता हूं और उसके साथ में प्रिंट करता हूं उसका टाइप, कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो मेरे पास हर एक आइटम के लिए दो लाइनें आएंगी, पहले आएगा वो आइटम और फिर आएगा उसका डेटा टाइप। तो ये देखो मैंने रन किया, तो इसने मुझे बता दिया कि 10 इंटीजर टाइप का है, 10.5 फ्लोट टाइप का है, ऑरेंज स्ट्रिंग टाइप का है, ट्रू बुलियन टाइप का है। तो लिस्ट आपकी किसी भी आइटम की हो सकती है, आप जब उसे यूज करो तो आपको पता होना चाहिए आपके पास किस टाइप का डेटा टाइप आ रहा है। फिर है मतलब कि ये फॉर लूप हमने यूज कर लिया है। अब हम लोगों ने याद करो कि स्ट्रिंग में यूज किया था कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसको मैं फ्रूट्स के माय लिस्ट दे देता हूँ, नाम सही होने चाहिए 7, ठीक है। अब मुझे पहला आइटम एक्सेस करना है, मुझे पहला आइटम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, माई लिस्ट 7, और यहां पर भी मैं जो स्ट्रिंग वाले स्क्वायर ब्रैकेट है सेम चीज लगा सकता हूँ। अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है सीक्वेंस वाला, कि जो कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस में है कि उसके आइटम को एक्सेस करना है, वही कॉन्सेप्ट आप हर सीक्वेंस में लगा सकते हो। स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस है, स्क्वायर ब्रैकेट पहले वैल्यू निकालनी है। लिस्ट भी एक सीक्वेंस है, स्क्वायर ब्रैकेट से पहली वैल्यू निकालनी है। मैं पता है पहली वैल्यू मेरी 0 पर होती है, मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 10 आ गया। वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट और पोजिशन इंडेक्स, ओके। मैं लास्ट वैल्यू निकालता हूं, तो मैं करता हूं प्रिंट माई लिस्ट 7, लास्ट वैल्यू मेरे पास 4 आइटम है, तो 3rd इंडेक्स तक जाएगा, तो ट्रू आ गया। तो जो कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रिंग में सीखे हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट आपके लिस्ट में भी लग जाएंगे, कि स्ट्रिंग के वेरिएबल, स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स को किसी पोजिशन पर एक्सेस कैसे करना है। हमने क्या देखा था, हमने स्लाइसिंग देखी थी स्ट्रिंग में, वो अभी आगे भी आएगा, बट हमने स्लाइसिंग देखी थी, हम देख लेते हैं, ठीक है। माई लिस्ट 8 आ गया। अब मुझे, हमने 3 तरह का देखा था, हमने कहा था कि अगर मैं दोनों हटा देता हूं, माई लिस्ट 8, मैंने कहा था कि ना मैं स्टार्ट देता हूं ना एंड देता हूं, तो क्या होता है, मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। यहां पर मैं प्रिंट करता हूं तो मेरी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए, और ये सेम की सेम पूरी प्रिंट हो गई है। अब मैं करता हूं पहले 2 एलिमेंट, तो पहले 2 एलिमेंट मेरे पास हो गए हैं यहां पर, इनकी पोजीशन क्या हो गई है, 0 0 1। तो अगर मेरे पास स्ट्रिंग में होता, मेरे पास आशु, ठीक है, मुझे खाली AS प्रिंट करना होता, मुझे खाली AS को निकालना होता अपनी स्ट्रिंग से, तो मैं क्या लिखता, जो भी वेरिएबल नेम है
स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो से शुरू करो और कहां तक जाओ, यहां पर एंड इंडेक्स क्या होना चाहिए, जीरो वन टू, तो टू वाला इंक्लूडेड नहीं रहेगा, राइट। लास्ट वाला वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहती है। तो यहां पर मुझे शुरुआत के दो निकालने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, जीरो से लेकर टू तक, और इसको मैं अभी लिख देता हूं, तो जीरो से लेकर टू तक, तो मेरे पास खाली दो वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, 10 और 10.5। मैं अब लास्ट वाला इंडेक्स हटा देता हूं, तो हमने क्या देखा था, अगर मैं लास्ट इंडेक्स हटा देता हूं तो वो उसे बाय डिफॉल्ट एंड तक मान लेता है। तो अगर मैं जीरो से शुरू करता हूं स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स वो है, तो मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट वापस प्रिंट होनी चाहिए। अब मेरे पास पूरी लिस्ट वापस प्रिंट हो गई है। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने ट्राई नहीं करी है, मैं जीरो की जगह मैं दो भी दे सकता हूं, दो भी दे सकता हूं, तो इस केस में क्या होगा कि यहां पर मेरे पास जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो अब स्टार्ट मैंने कहा है कि टू से होगा, तो ये तो आ जाएगा क्योंकि ये इंक्लूडेड रहता है, और लास्ट तक जाओ तो लास्ट तक क्या है, ट्रू है, तो मेरे पास ऑरेंज और ट्रू प्रिंट होना चाहिए। अब मेरे पास ऑरेंज और ट्रू प्रिंट हो गया। तो सेम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट जो स्ट्रिंग में लगता है वही कॉन्सेप्ट लिस्ट में भी लगता है, वही कॉन्सेप्ट टपल में भी लगता है, कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां पर आता है, यहां पर, lists are mutable, we can change the items in a list unlike string, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखाता हूं, चेंज करके दिखाता हूं, यही लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं लेता हूं माई लिस्ट 10। तो पहले मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट माई लिस्ट 10 खाली प्रूफ के लिए। अब स्ट्रिंग में जब हमने क्या किया था, हमने अपने वेरिएबल का नाम लिख लेकर और कोई पोजीशन हमने, जैसे मैं उसमें जीरो लिया था, इसमें मैं टू लेता हूं, ठीक है, ऑरेंज वाली पोजीशन, और हमने जब स्ट्रिंग में यहां पर कोई वैल्यू चेंज करी थी तो मेरे पास एरर आई थी, ठीक है। अब मैं फिर से अपने वेरिएबल को वापस प्रिंट करता हूं, आपको बदल जाएगा क्या चेंज हुआ, ये देखिए स्ट्रिंग में यहां पर मेरे पास एरर आ गई थी, कहा था कि लिस्ट, सॉरी, स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, लिस्ट चेंज कर दिया है, मेरे पास पहले ऑरेंज था, अब मेरे पास मैंगो है। तो लिस्ट में आप आइटम्स अपडेट कर सकते हो, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हो, ये भी मेन कॉन्सेप्ट है। मैं एक चीज ट्राई करना चाहता हूं, मैं यहां पर भी इसका एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूं, हो सकता है कि एड्रेस चेंज हो जाए, क्योंकि अगर आप वैल्यूज चेंज कर रहे हो तो हो सकता है उसे कॉपी करके दूसरी जगह लाना पड़े, बट होना नहीं चाहिए। ओके, ये देखो एड्रेस सेम आ गया, सेम एड्रेस, तो सेम एड्रेस मतलब क्या है कि हमारा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, जहां पर डिब्बा बना था यहां पर पहले ऑरेंज लिखा था, तो इसने क्या किया, ऑरेंज हटाकर मैंगो लिख दिया। स्ट्रिंग में क्या कर रहा था, उसने एक बार डिब्बा बना दिया तो बना दिया, अब आपको नया बनाना है, आपको हेलो का जेलो करना है, तो आपको नया डिब्बा ही बनाना पड़ेगा, और ये हमने प्रूफ किया है आईडी से, आईडी प्रिंट कराकर, कि अपडेट करने के बाद भी उसका एड्रेस सेम है, तो जो डिब्बा था वही डिब्बा चेंज हुआ है, नया डिब्बा नहीं बना है। अब स्ट्रिंग पर हमने इंटीजर पर मैथमेटिकल ऑपरेटर देखे, हमने स्ट्रिंग पे देखे, हमने फ्लोट पर देखे, तो हम लिस्ट में भी देख लेते। तो लिस्ट देखो सीक्वेंस है, स्ट्रिंग है, सीक्वेंस है। स्ट्रिंग में हमने खाली देखा था कि प्लस और मल्टीप्लाई काम करता है, स्ट्रिंग में अगर दो स्ट्रिंग को प्लस करो तो चिपका देता था दोनों स्ट्रिंग को, कैसे, आशु प्लस तोष में करता था तो ये इसको चिपका देता था, ठीक है। सेम काम लिस्ट में भी होगा, मैं दो लिस्ट बनाता हूं अपनी, माय लिस्ट वन, ऊपर आ जाओ भाई, ये मैं बनाता हूं, सॉरी लिस्ट बना रही ना मेरे को, तो मैं बनाता हूं 10, 20, 30, ठीक है, माय लिस्ट टू बनाता हूं, और ये डिफरेंट टाइप की है, ये है बनाना मैंगो,
ये स्ट्रिंग टाइप की है, इसमें दो आइटम है खाली। अब मैं क्या करता हूं, माई लिस्ट थ्री इक्वल टू माई लिस्ट वन प्लस माई लिस्ट टू और प्रिंट माई लिस्ट। ये देखो उसने दोनों लिस्ट को मर्ज कर दिया, जो पहले यहां पर ये अलग लिस्ट थी ये अलग लिस्ट थी, अब एक ही लिस्ट है, एक ही बार स्क्वायर ब्रैकेट है तो एक ही लिस्ट है। तो जैसे स्ट्रिंग में वो प्लस पे दो स्ट्रिंग को चिपका देता था, वैसे ही लिस्ट में वो दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर देता है, एक ही कर देता है। फिर है मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ओके, मल्टीप्लाई ऑपरेटर ने हमने स्ट्रिंग में देखा था, मैं अगर अपनी स्ट्रिंग को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता था, इंटीजर से, ध्यान रखना इंटीजर से, फ्लोट से करने पर एरर आ जाती थी, इंटीजर से मल्टीप्लाई करता था तो वो स्ट्रिंग मेरी तीन बार कॉपी हो जाती थी। सेम चीज है लिस्ट में भी, मैं अपनी ये लिस्ट बनाता हूं। ओके, और मैं एक नई लिस्ट बनाता हूं, माई लिस्ट टू इक्वल्स टू माई लिस्ट वन मल्टीप्लाई बाई थ्री और प्रिंट करता हूं माई लिस्ट। तो मेरे पास सेम लिस्ट तीन बार कॉपी हो गई। तो ये इसीलिए मैं कह रहा था कि सीक्वेंसेस के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग स्ट्रिंग और लिस्ट और सब के रूप में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपका एक जगह लग रहा है वही कॉन्सेप्ट आपका हर जगह लगेगा जहां पर भी सीक्वेंस होगा। अभी यहीं पर मैं इसको 3.0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एरर आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग में भी एरर आती थी। तो दो ऑपरेटर ही चलते हैं, जैसे स्ट्रिंग में खाली दो चलते थे, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब फेल हो जाएगा, डिवीजन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं चलेगा। तो ये हो गया मेरा। ओके ओके कूल। एक चीज जो रह गई थी कि मैंने ठीक से मतलब कि वो मैंने स्किप करी थी लास्ट के लिए, जब हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स, इसके बाद भी एक चीज होती है कोलन स्टेप। स्टेप क्या है कि आपको कितने का जंप लेना है या आपको जंप लेना है। तो जैसे मैंने लिखा था बनाना, और अगर मैं करता हूं इसको, मैं कोड में कर लेता हूं, क्या कि नेम इक्वल्स टू मैं आशुतोष कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं नेम 0 से लेकर 8 तक, तो मेरे पास मेरी स्ट्रिंग ही आ जाती है पूरी। By default क्या होता है कि by default यहाँ पर ये step होता है, ये one होता है। होता क्या है कि ये इसकी original जो full form होती है वो होती है 0 8 colon 1। one का मतलब है कि आपको हर एक character लेना है, every one character, ठीक है। यहाँ पर मैं value change कर सकता हूँ, मैं कैसे change कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 2 भी कर सकता हूँ। अब देखो मैं 2 करूँगा तो क्या होगा, 2 का मतलब होता है हर दूसरा character लेना है। तो इसने A लिया, S skip किया, H लिया, U स्किप किया, T लिया, O स्किप किया, S लिया, H स्किप किया। ये स्टेप होता है, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 रहती है। अगर हम चाहते हैं कहीं पर हर दूसरे करेक्टर, हर चौथे करेक्टर, मैं हर चौथे करेक्टर को स्किप करना चाहता हूं, मैं यहां पर 4 कर दूंगा। तो इसने A लिया, S, H, U स्किप कर दिया, T लिया, O, S, H स्किप। तो ये पता होना चाहिए, ये पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहां पर हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, नेम 0 colon 8 colon -1। इस तरह काम करता है, मतलब कि -1 में जैसे कहा कि 0 से उल्टा चलो, तो उल्टा नहीं चलता। अच्छा एक चीज हाँ रह गई है, क्या होता है, मैंने फिर उसमें लिखा, मैंने लिखा ना ठीक, अब मैंने इसकी नंबरिंग करी थी 0 1 2 3 4 5 6 7। इसकी एक उल्टी नंबरिंग भी होती है पाइथन में, लास्ट वाला -1 होता है, -2 -3 -4 -5 -6। तो जो मेरा स्टार्ट इंडेक्स था, मैं 0 से 8 तक जा रहा था, मतलब 7 तक जा रहा था, तो मैं -8 से -1 भी जा सकता हूं। ये जो जीरो पोजीशन होती है, मतलब होता ये है कि पहला वाला जीरो होता है, लास्ट वेक्टर -1 होता है,
ये आपको याद करना पड़ेगा। पहला वाला जीरो होगा लास्ट करेक्टर माइनस वन, और इसी को फिर आप उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। इसको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। आशुतोष है मेरे पास। अब हम जा रहे थे, मैं इसको एक मिनट यहाँ लिखता हूँ, आराम देगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहली चीज की नेगेटिव इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, जो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैं लिखता हूँ नेम और माइनस वन, हमें खाली एक एक्टर निकालना है। तो हम अभी तक जीरो से रेट देते थे, माइनस वन देते, देखो लास्ट एक्टर एच आ जाएगा। मुझे टी लेना है, तो टी के लिए मेरे पास प्लस फोर भी है माइनस फोर भी है। तो मैं करता हूँ नेम, दोनों को प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट नेम पहले प्लस फोर और प्रिंट नेम माइनस फोर, तो दोनों टी आना चाहिए, दोनों टी आ गए, ठीक है। फिर लास्ट वाला एक और देख लेते हैं कि प्रिंट नेम जीरो और प्रिंट नेम माइनस एट, क्योंकि निगेटिव में नंबरिंग आपका वन से शुरू होती है, निगेटिव वन से, तो आप लेंथ तक जा सकते हो, पॉजिटिव में आपकी जीरो से शुरू होती है। तो देखो दोनों में ए आ गया, तो निगेटिव नंबरिंग एग्जिस्ट करती है, ओके? अब मैं दिखाता हूँ स्लाइसिंग वाला। तो यहां पर हम लोग स्लाइस कर रहे थे, कलर चेंज कर लेता हूं। मान लो हमें करना है एच यू टी, हट निकालना है, तो हट के लिए मेरे पास है टू से लेकर फोर तक, या फिर माइनस सिक्स से लेकर माइनस फोर तक, ठीक है। तो मैं लिखता हूं प्रिंट नेम टू से फोर की जगह फाइव तक जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला कैरेक्टर इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा प्रिंट नेम माइनस सिक्स से माइनस थ्री तक, माइनस सिक्स कोलन माइनस थ्री, तो दोनों से मुझे हट प्रिंट होगा। अब आप पूछो कि नेगेटिव नंबरिंग का यूज क्या है, तो सबसे कॉमन यूज जो है वो आता है कि आपको लास्ट करेक्टर पता, आपको हमेशा आपको अपनी लिस्ट में लास्ट आइटम निकालना है, तो आप क्या, आपको लास्ट आइटम के लिए आपको उसकी लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें सबट्रैक्ट सिंपल आप माइनस वन दे दो, तो ये मतलब बेसिक नंबरिंग होता है लेंथ माइनस वन। फिर ये करता हूं मैं प्रिंट, ठीक है। अब मैं जाता हूं एच से लेकर ए तक, मतलब सेवन से लेकर जीरो तक, और मैंने कर दिया अपना स्टेप माइनस वन कर दिया कि एक एक घटाते जाओ, मेरे पास सेम स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी रिवर्स में, बट क्योंकि लास्ट आइटम में लेता नहीं है तो मुझे इसको ये वाला हटाना पड़ेगा। तो पहले जीरो दिखाता हूँ, प्रिंट हटा देता हूँ, प्रिंट थोड़ा सेम करता, ठीक है। तो ये देखो अगर आप इस बार ये लेते हैं सेवन से जाओ, ये क्या कह रहा है, स्टार्ट इंडेक्स है सेवन, ठीक है, सेवन से जाओ जीरो तक, तो सेवन से जाओ जीरो तक और एक एक डिक्रीज करते जाओ, मतलब स्टेप मेरा माइनस वन, तो सेवन से शुरू करो, सेवन माइनस वन हो जाएगा सिक्स, माइनस वन हो जाएगा फाइव, माइनस वन हो जाएगा फोर एंड सो ऑन। लेकिन देखो हमारा ध्यान करो, स्टार्ट इंडेक्स जो एंड इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, तो ये खाली ये एस तक ही जा रहा है, एच एस ओ टी यू एच एस, एच ओ टी यू एच एस। अब मैं यहीं पर अगर मैं करता हूं सेवन से जीरो और मैं लास्ट वाला नहीं देता तो ये बाय डिफॉल्ट वन हो जाता है, तो सेवन से जीरो जंप करके, वन जंप करके सेवन से जीरो जा ही नहीं सकता है, तो मेरे पास एम्प्टी वो आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कोड सेवन से जीरो, और इस बार मैंने लास्ट वाला नहीं दिया, तो हमने कह रखा है बाय डिफॉल्ट वो वन होता है, तो ये जाएगा ही नहीं। तो अगर मुझे रिवर्स में जाना है तो मुझे लास्ट स्टेप माइनस वन देना पड़ेगा। तो कई बार मुझे जहां पर स्ट्रीम को रिवर्स करना होता है तो वहां पर मैं माइनस वन यूज करता हूँ। इसका शॉर्टकट तरीका है, रट लो जो भी वेरिएबल हो, आपको लिस्ट को रिवर्स करना है, आपको नेम को रिवर्स करना है, कोलन कोलन माइनस वन, बाकी दोनों वैल्यूज अपने आप समझ लेता है, और इसमें शुरुआत से लेकर आखिर तक आपकी पूरी स्ट्रिंग और पूरी
मतलब कि लिस्ट जो भी होगा रिवर्स हो जाएगा, मैं अपनी लिस्ट उठाता हूँ, ठीक है, माय लिस्ट 7 उठाता हूँ, कोलन कोलन माइनस 1, उल्टा कर दिया इसने, पहले बूलियन फिर स्ट्रिंग फिर फ्लोट और फिर इंट आ गया। तो ये स्लाइसिंग स्ट्रिंग लिस्ट टपल सब में सेम काम करेगी, ये पता होना चाहिए। नेगेटिव वाली काफी यूज होती है, हम लोग काफी जगह यूज करते हैं। रिवर्सिंग का कोड मैंने कर ही दिया है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग के मेथड्स देखे थे, वैसे हमारे पास लिस्ट के भी मेथड्स हैं। स्ट्रिंग के मेथड से हमारे अपर लोअर स्ट्रिप ट्रिम, ठीक है, इज अल्फा इज समथिंग, उस टाइप के थे।